अब महात्मा जी बात कही तो विश्वास तो हो ही गया। वो अपने घर से एक लोहे की सीख लेके आया और खड्ड में खड़ा रहा और एक एक पत्थर उठा के देख रहा है, उठाना उस सीख को लगाना फिर देखना, नहीं हुआ सोने की फेंक देना, दूसरा उठाना फिर से लगाना देखना फेंक देना, उठाओ लगाओ देखो फेंको, जैसे आपने एक दो तीन चार में व्यायाम योग किए वैसा उसका अकेले का व्यायाम योग शुरू हो गया। उठाओ लगाओ देखो फेंको, उठाओ लगाओ देखो फेंको, करते करते गति से काम होने लगा, धुन लग गई और विचार भूल गया कि ये क्यों कर रहे। तो कभी एक बार उसके हाथ में वो पत्थर आया, उसने सीख को लगाया, सीख सोने की बन गई, आंखों ने देखा लेकिन भूल गए थे क्या करना है, क्यों देखना है, क्या देखना है, तो चार में पत्थर को फेंक दिया। और ऐसे हजारों पत्थर उठाए होंगे, एक बार उसको ठोकर लग गई तो एकदम होश में आ गया। अरे मैं क्या, हाँ नदी में मुझे वो ढूंढना है पत्थर, देखता है तो सीख सोने की बन गई, लेकिन पत्थर कहाँ, पारस पत्थर कहां से उठाया, कहां फेंका, कुछ मालूम नहीं। तो इतनी प्रैक्टिस की, उसका एक तो फायदा हो गया कि एक सीख भर का सोना उसको मिल गया, लेकिन जीवन भर का मिल सकता था। तो करते समय क्यों कर रहे इसका विचार भूल जाने से वो जो बड़ा लाभ होने वाला था उसने छोड़ दिया। हम संघ के स्वयंसेवक जो बैठे हैं उनको तो ये सब पता है, उनका रोज का अभ्यास, रोज के अभ्यास से ये काम उत्तम होते हैं। अनुशासन संघ का प्रसिद्ध है क्योंकि अभ्यास है, ये अच्छी बात है। लेकिन करते करते ये हम क्यों कर रहे हैं ये भूलना नहीं चाहिए। इतने सारे स्वयंसेवक अपने यहां पर है, मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों के बाद कठुआ में इतना बड़ा गणवेश का एकत्रीकरण हम सब लोग देख रहे हैं, तो इसमें कुछ सौ नए भी लोग होंगे। और फिर आजकल संघ जरा देश की गतिविधियों के केंद्र में है, तो संघ क्या कर रहा है सभी लोग देखते रहते हैं, तो नागरिक भी अधिक संख्या में आए हैं जो इसके पहले संघ को देख नहीं रहे थे। तो इन सबको ही आवश्यकता होती है संघ क्या कर रहा है ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानने की। हमको करना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।